अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ भिंडी और आलू से एक ज़बरदस्त रेसिपी। आपने भिंडी तो बहुत बार खाई होगी, भिंडी की सब्ज़ी कुछ बच्चे पसंद करते हैं कुछ नहीं, पर आप मेरे इस तरीके से बनाकर अगर भिंडी खिलाएंगे तो आपकी सारी फैमिली पसंद करेगी। तो आज हम बनाते हैं आलू भिंडी से बहुत ही टेस्टी रेसिपी, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ मैंने आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में छीलकर काट लिया है और इसको पानी में रखा है ताकि इसका स्टार्च निकल जाए इस तरह से। और ये भिंडी आप किसी भी शक्ल में काट लें, मैंने थोड़े क्रॉस काट लिए, आधा नींबू, दो बड़ी प्याज और एक बड़ा टमाटर, इसे भी बारीक चॉप कर लिया है मैंने। तो चलिए बनाते हैं आलू भिंडी की सब्ज़ी। तो एक कढ़ाई मैंने गर्म कर ली है, अब उस कढ़ाई में हम ऐड करते हैं एक बोल के करीब ऑयल, क्योंकि हमें आलू को फ्राई कर लेना है तो मैं थोड़ा तेल ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। बाद में हम इस तेल को वापस निकाल देंगे, सिर्फ हमें आलू फ्राई करने तक ये तेल यूज़ करना है। अब इसमें तेल को हम थोड़ा गर्म होने देते हैं, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें ऐड करें दो पिंच हींग। हींग डालने के बाद इसमें ये जो आलू हैं पानी से निकाल कर डाल दीजिए। हींग अगर तेल में आप डालकर इसमें आलू फ्राई करेंगे तो आलू की जो टेस्ट होती है वो बहुत ही अच्छी बनती है। जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करें तो थोड़ा सा हींग डाल दिया करें तेल में, इस तरह से आलू को क्रिस्पी होने तक। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस थोड़ी कड़कड़ाहट की आवाज़ आने तक इसको फ्राई करना है। देखिए इस तरह से अब ये थोड़े से क्रिस्पी हो चुके हैं, ऊपर से इसका जो कवर है वो करारा हो चुका है। आपको मैं इसकी आवाज़ सुनाती हूँ प्लेट में निकाल कर। अब देखिए, देखिए है ना, ये अब क्रिस्पी हो चुके हैं। बस इतना ही इसको फ्राई करना है। अब इस तेल को हम वापस निकाल लेते हैं बोल में, कढ़ाई को खाली कर लेते हैं। अब मैंने तेल खाली कर लिया है, अब इसमें ऐड कर रही हूँ एक चम्मच फिर से रिफाइंड ऑयल। अब हमें इस बार भिंडी को फ्राई करना है, मतलब भून लेना है। अब एक चम्मच तेल काफ़ी है भूनने के लिए। भिंडी जब भी हम भूनते हैं तो ये चिपचिपी सी हो जाती है, लम्स छोड़ने लगती है, तो इसीलिए हम इसमें ऐड करने वाले हैं ये जो काट के रखा था आधा नींबू। या नींबू का रस डालने से क्या होता है, भिंडी बिल्कुल एक दूसरे से नहीं चिपकती है, बल्कि जो लम्स निकलते हैं वो नीचे तले में चिपक जाते हैं और भिंडी बिल्कुल खुली खुली रहती है। और भिंडी को हमेशा भून के ही पकाएं, वरना सब्ज़ी बहुत ही चिपचिपी सी बन जाती है। तो देखिए इस तरह से इसको भी ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, बस थोड़े थोड़े काले दाग पड़ने तक भूनना है। आप देख सकते हैं तले में सारे भिंडी का जो लम्स है वो चिपक चुका है और भिंडी भी हमारे बिल्कुल चिपचिपे नहीं बने हैं। अब ये जो तला है इसको हम अच्छे से धो लेते हैं इस कढ़ाई को। देखिए अब मैंने इस कढ़ाई को साफ़ कर लिया है दोबारा से। अब इसमें मैं ऐड करती हूँ दो से तीन चम्मच फिर से तेल। इस सब्ज़ी में तेल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करें तो सब्ज़ी अच्छी बनेगी। अब ऐड करते हैं हाफ टेबल स्पून जीरा। जीरा को थोड़ा चटकने देते हैं, जब जीरा चटक जाए तो इसमें ऐड करते हैं एक काट के रखी हुई बारीक प्याज। प्याज को हमें हाई फ्लेम पर ही भून लेना है, इसे बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है हमें, बस हल्का सा पका लेना है, मतलब गुलाबी कलर चेंज होने तक इसको पका लें। दूसरी सब्जियों की तरह इसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ना करें, देख सकते हैं आप कलर चेंज हो चुका है, बस इतना काफ़ी है। अब इसमें ऐड करते हैं कटा हुआ टमाटर। टमाटर जब भी आप इस तरह से प्याज में ऐड करें तो फ्लेम को हाई रखें। और एक चम्मच नमक ऐड करती हूँ मैं, हमेशा ही टमाटर में नमक ऐड करती हूँ ताकि इसकी स्किन जल्दी से नरम हो जाए। आप भी इसी स्टेज पर नमक ऐड करें सब्ज़ी में तो टमाटर की स्किन बहुत जल्द नरम हो जाती है। और फ्लेम को हाई रखकर चलाते रहें। देखिए अब हमारा टमाटर भी नरम हो चुका है, इसको थोड़ा सा इस तरह चम्मच से मैश करते रहें तो बहुत जल्द स्किन नरम पड़ जाएगी। अब ऐड करते हैं हाफ टी स्पून हल्दी।
एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 2 टीस्पून तीखी लाल मिर्च और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। बस इस तरह से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमें फ्लेम को धीमा कर लेना है क्योंकि मसालों में सूखापन है, ये जल सकते हैं यहाँ पर। और ये भिंडी की सब्ज़ी है तो इसमें हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करने वाले हैं, तो इसलिए इस जो टमाटर का जो रस छुटा हुआ है इसी में इन मसालों को हमें पकाना है। तो फ्लेम को एकदम स्लो ही रखें और इस तरह से इसको मसालों को पका लें। इस तरह से चम्मच को चलाते रहेंगे तो जो टमाटर का रस है वो अच्छे से छूटेगा और ये मसाले भी हमारे बस इतने ही पानी में पक जाएंगे। अब इसमें ऐड करते हैं ये फ्राई किए हुए आलू। अब ऐड करते हैं फ्राई की हुई भिंडी। देखिए भिंडी भी हमने फ्राई करके रखी है, आलू भी फ्राई करके रखी है और जो मसाले हैं ये तेल में अच्छे से अब पक चुके हैं। तो इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इस सब्ज़ी में बिल्कुल पानी ऐड ना करें, सिर्फ भाप पर ये सब्ज़ी पक जाएगी क्योंकि भिंडी ऑलरेडी हम भून चुके हैं। आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ हरा धनिया। हरा धनिया मेरा फेवरेट है, मैं हर सब्ज़ी में हरा धनिया यूज़ करती हूँ। इस तरह से लास्ट स्टेज पर अगर आप हरा धनिया यूज़ करेंगे तो सब्ज़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। इस तरह से मिक्स कर लेते हैं हरा धनिया के साथ। अब हम इस पर ढक देते हैं 5 मिनट के लिए, धीमी आंच पर छोड़ देते हैं। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह से तेल कितने अच्छे से साइड से छूटने लगा है। इसमें हमने बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं किया, जो टमाटर का पानी छूटा था उतना ही है। और हमारी भिंडी भी अब गल चुकी है, आलू तो ऑलरेडी फ्राई हो चुके हैं। तो देखिए सब्ज़ी बन के हमारी अब ये रेडी है। सच में आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी सारी फैमिली इस सब्ज़ी को बहुत पसंद करेगी। सिर्फ भिंडी को ही पसंद नहीं करता, आलू को इस तरह से अगर आप ऐड करके बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए अब इसको हम सर्विंग प्लेट में सर्व करते हैं। माशाल्लाह सब्ज़ी की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छी बनी है। आप इसे चपाती के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ बहुत आसानी से खा सकते हैं। फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसे बनती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मैं लेती हूँ अगली वीडियो तक के लिए रुख्सत, आप इसे ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।